ईमानदारी की बात से अगर आप सर को सुन रहे थे आदरणीय कृष्ण बिहारी सर को और कहीं दिल तक उनकी बात पहुंची हो तो आप दोनों हाथ उठाकर उनके सम्मान में जोड़ा कर ले दो। तुमने एक पूरे जीवन का बड़ा सफर तय किया। अगर दादा आपने जो कहते हैं अंधेरा बहुत घना है, बहुत ज्यादा घना है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये भी कलयुग के प्रांगण में आप सभी वो लोग हैं जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। बहुत गहरा अंधेरा है, लेकिन आज आपने जो दीप यहाँ जलाया है वो दीप बहुत सारे लोगों को अपनी दशा और दिशा बदलने के लिए मजबूर कर देगा, ऐसा हम कहते हैं। आपको दिया गया कोई भी सम्मान नहीं करता, सूरज को दिया दिखाने जैसा है, समुद्र में दस पांच बाल्टियां पानी डालने जैसा है, क्योंकि आपका संघर्ष और आपका निस्वार्थ मन आपका प्यार आपको बड़ा बनाता है। तो आज इस सोच संस्थान की तरफ से प्रवीण साहित्य सम्मान जो आपको दिया जा रहा है उसकी प्रक्रिया चालू होती है। मैं आदरणीय पुरुषोत्तम जी से, आदरणीय आदित्य जी से, दीपक जी से, सभी लोगों से आग्रह करता हूँ चयन कराए और हमारी मेयर साहिबा जरूर लोगों ने कहा गर्व से दी 100% कानपुर शहर को आगे ले जाने के लिए और उस शहर की तरह विकसित करने का संकल्प लेकर चल रही है। एक बार जोरदार तालियां मेयर साहिबा की। प्रवीण दीक्षित जी का एक सम्मान है, प्रतिवर्ष आदरणीय प्रतिवर्ष ये सम्मान दिया जाता है पिछले कई सालों से। मैं साहिबा सहभागी हुई है और आपके कर्तव्यों से ये सम्मान उसको प्रतिवर्ष देते हैं। आप सबकी जोरदार तालियां आती हैं। Gracias.